मोदी के चलते रामलला से बनाई दूरी, शंकराचार्यों की नाराजगी कितनी जरूरी, क्या है मजबूरी। मोदी ने क्यों किया शंकराचार्यों को नाराज, शंकराचार्य क्यों नहीं है मंदिर स्थापना के लिए तैयार। सनातन की बात करने वाली पार्टी क्यों कर रही है सनातनी मुखिया को नाराज, मंदिर किसका, लड़ाई अभी भी जारी। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद मंदिर निर्माण हुआ और अब उद्घाटन होने जा रहा है। इस समारोह को लेकर देश भर में जहां भारी उत्साह है तो वहीं लोग अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच तो वाद विवाद का क्रम चलता ही रहता है, पर धर्म जगत भी इससे अछूता नहीं है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर समारोह से देश के सभी शंकराचार्य दूरी बना रहे हैं। आखिर इस नाराजगी के क्या कारण है, शंकराचार्य महत्व न मिलने से नाराज है या फिर विशुद्धतावादी रवैये के चलते खुद ब खुद आम लोगों से दूर होते जा रहे हैं। राम मंदिर समारोह के लिए पुरी और ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य मोर्चा खोल चुके हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हम आपको बारीकी से समझाते हैं, लेकिन बस बने रहिएगा हमारे साथ अगले 2 मिनट तक। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। दोस्तों फिलहाल चारों शंकराचार्य काफी नाराज हैं और इस नाराजगी के कई कारण हैं। प्राण प्रतिष्ठा के तरीके, यजमान किसे होना चाहिए और किसे नहीं, मंदिर के अधूरे निर्माण आदि को लेकर संत समाज का ये मुद्दा है। पूरी पीठ के स्वामी निष्णानंद सरस्वती और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने तो इस समारोह से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। अन्य शंकराचार्यों ने खुलकर ऐलान तो नहीं किया, पर ऐसा समझा जा रहा है कि वो भी इस समारोह से दूर ही रहेंगे। राजनीतिक दलों की मजबूरी तो समझ में आती है क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक का ख्याल रखना है, पर शंकराचार्य भी दूरी बना रहे हैं इस समारोह से, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कुछ दिन पहले ही राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं बल्कि हितैषी हैं, इसलिए सलाह दे रहे हैं कि शास्त्र सम्मत कार्य करें। उन्होंने कहा कि पूर्व में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए बिना मुहूर्त के राम मंदिर मूर्ति को सन 1992 में स्थापित किया गया, लेकिन वर्तमान समय में स्थितियां अनुकूल हैं और ऐसे में उचित मुहूर्त और समय का इंतजार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित सभी पदाधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। वो चंपत राय के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों का है, शैव और शाक्य का नहीं। अब मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि शंकराचार्य और रामानंद संप्रदाय के धर्मशास्त्र अलग अलग नहीं होते। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो उसे सौंप देना चाहिए। चारों पीठों के शंकराचार्यों को कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि का पालन किए बिना मूर्ति स्थापित किया जाना सनातनी जनता के लिए उचित नहीं है। खैर मुद्दे जो भी हो, बस यही कहना चाहेंगे कि 500 साल के इंतजार के बाद जब राम मंदिर बन ही रहा है तो सबको एकता के साथ इस मंदिर में शिरकत करनी चाहिए और इस समारोह का हिस्सा बनना चाहिए। आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें जरूर लिखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट #भारत।